नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। जबलपुर में वैक्सीनेशन के महाअभियान को लेकर प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। अगर हम बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर में भी वैक्सीन की खेप के साथ साथ सेंटरों में भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल सुबह से ही वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में लोग वैक्सीन लगवा कर के कोरोना की आहुति देंगे। वैक्सीनेशन के होने जा रहे महाअभियान के लिए जबलपुर में सेंटरों की संख्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलाकर लगभग 3 गुना बढ़ा दी गई है। जहां आम दिनों में 80 सेंटर हुआ करते थे, कल से शुरू होने वाले महाअभियान के लिए 320 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 132 सेंटर शहरी क्षेत्रों में और 190 सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं। स्वास्थ्य और जिला प्रशासन सहार से 70,000 लोगों को वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जैसा कि ज्ञात है, कल 21 जून 2021 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ ही साथ कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान पूरे देश में प्रारंभ हो रहा है। हमारे शहर जबलपुर में भी इस हेतु हमने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र मिलाकर लगभग 320 टीकाकरण केंद्र बनाए हैं। शहर में लगभग 132 टीकाकरण केंद्र हैं, ग्रामीण अंचलों में 190 टीकाकरण केंद्र हैं। इस हेतु हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं। पहले दिन का लक्ष्य हमारा 60,000 से 70,000 के बीच टीकाकरण करने का है। इसके लिए हमारे पास वैक्सीन प्राप्त हो गई है। मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है कि 18 वर्ष से ज़्यादा आयु वाले सभी व्यक्ति अपना कोई भी एक फ़ोटो आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या जो भी उनका परिचय पत्र है वो लेकर जाएं और टीकाकरण केंद्र में टीकाकरण कराएं। सुरक्षा इंतजामों के लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं? निश्चित रूप से, चूंकि एक वृहद स्तर पर ये टीकाकरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो सभी केंद्रों में सभी विभागों का अमला अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर रहा है। पुलिस विभाग ने भी हमें इस हेतु भीड़ प्रबंधन के लिए सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।